आज हम जिस प्लांट की चर्चा करेंगे वो पद्मक है, प्रूनस सिरेस्वाइटिस। इसकी फैमिली रोजेसी है, इंग्लिश नेम बर्ड चेरी है। इसको पद्म गंधी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कमल के समान गंध होता है। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये 5,000 to 8,000 फीट हाइट पर पाया जाता है, लेकिन जहाँ पर हम इसको देख रहे हैं वो 3,000 फीट हाइट पर बसा हुआ पपरोला है, हिमाचल प्रदेश का एक गांव है और ये एक टॉल ट्री है। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो स्टेम हमको दिखाई दे रहा है कि राउंडेड है, राउंडेड स्टेम है, ब्राउनिश कलर का है। और अगर इसके बार को हम ऊपर से देखें तो इसमें ट्रांसवर्सली प्लेस्ड लेंटिसेल्स दिखाई दे रहे हैं जो रस्ट कलर के हैं, रेडिश हैं। और अगर हम इसकी त्वचा, इसके बार को उखाड़ना चाहें तो वो उखड़ भी जाती हैं, तो ये पीलिंग ऑफ इसके बार्क है। अगर हम इसकी लीव्स देखें तो लीव्स डेंटेड दिखाई दे रही हैं। इस समय इसकी फ्लावरिंग हुई है, पिंक कलर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स इसमें आए हुए हैं। नवंबर के महीने में, मंथ में हमको ये फ्लावरिंग 3,000 फीट पे दिखाई दे रही है। वैसे इसके फ्लावरिंग का सीजन संहिताओं में पौष मास बताया गया है, थोड़े कुछ ही दिन बाद इसकी फ्लावरिंग होनी थी, लेकिन यहाँ पर इस समय इसकी फ्लावरिंग है। अगर इसकी रसगुण विपाक की बात करें तो रस कषायतिक्त है, गुण लघु है, वीरशीत है, विपाक कटु है और कर्म वेदना स्थापन है, क्योंकि इसको चरक ने वेदना स्थापन महाकषाय में रखा है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें फ्लेवोनोन पाए जाते हैं, फ्लेवोनोन ग्लाइकोसाइड्स पाए जा रहे हैं और इसमें बीटा सिटोस्ट्रॉल पाया जाता है, अर्सोलिक एसिड पाया जाता है और प्रोनेटिनोसाइट पाए जाते हैं। चरक ने इसका वर्णन वेदना स्थापन महाकषाय में किया है, वर्ण महाकषाय में इसका वर्णन है और कषाय स्कंद में वर्णन इसका किया है। इसके अलावा सुश्रुत ने सारिवादी गण में, चंदन आदि गण में इसका वर्णन किया है। अगर हम इसके पार्ट को देखें कि कौन सा यूजफुल पार्ट है जिसका हम चिकित्सा में प्रयोग कर सकते हैं तो वो है इसका बार्क, त्वक, बीज मज्जा या कर्नल भी ले सकते हैं। और अगर इसके चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में हमें इस्तेमाल करना है तो 1 to 3 grams की मात्रा API में रिकमेंडेड है। अगर हम इसके वेदना स्थापन कर्म को देखें तो उसके आधार पर हम इसको एनल्जेसिक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल यूज के रूप में भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी हम इसके क्वाथ से पुलटिश वगैरह दे करके और स्वेदन करा के इसका हम प्रयोग करते हैं। इसकी कॉस्मेटिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्किन डिजीजेज में, फ्रैकल्स में, ब्लिमिशेज में और एक्ने वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनल यूज़ के रूप में भी क्वाथ बनाकर पिया जाता है और एक्सटर्नल यूज़ में इसके लेप का प्रयोग किया जाता है। ये कषाय स्कंद में वर्णित है, इसलिए इसका प्रयोग हीमोस्टैटिक के रूप में भी किया जाता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एबॉर्शन को रोकने के लिए, गर्भ की स्थापना करने के लिए, फीटस को स्टेबलाइज करने के लिए इसके टेंडर ब्रांचेस को क्रश करके पानी में सोक किया जाता है और बाद में इसका इंटरनल यूज किया जाता है जिससे कि एबॉर्शन रोका जा सकता है। तो इसमें गर्भ स्थापना के लिए इसका विशेष प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा इसका प्रयोग अगर हम देखें तो शीतवीर्य होने से दाह का शमन ये करता है, इसलिए जितने भी व्याधियां जिसमें कि हमें दाह की प्रतीति होती है, उष्णता की प्रतीति होती है, उसमें पानक के रूप में, इंटरनल यूज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए पद्मक को धन्वंतरि निघंटु में कहा गया है, पद्मकम शिशिरम स्निग्धम
कषायम रक्त पित्त नूत गर्भ स्थैरीकरम प्रोक्तम ज्वर छर्दी विषापहम। यदि केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, पदमीन ए पाया जाता है, रूट में बीटा सिटास्ट्रॉल पाया जाता है और बार्क में अर्सोलिक एसिड है, प्रूनेटिनोसाइड पाए जाते हैं।